वेयर फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को रहती है। आज हम इसके दो आपको सॉल्यूशन बताएंगे जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप इन दोनों ही ऑप्शंस को अपनाते हैं तो आपको बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। परफेक्ट अंडरवियर यूज़ करने के बाद भी कभी कभी हमारे प्राइवेट पार्ट में ये इन्फेक्शन रहता है। ये इन्फेक्शन इसलिए भी होता है जहाँ पर दोनों स्किन्स यानी जहाँ पर जांग की स्किन और उसके पास वाली स्किन आपस में मिल जाती है और या फिर उसमें पसीना आता है, तब ये प्रॉब्लम जनरेट होती है और इससे फिर रैशेज होने लगते हैं, खुजली होने लगती है, वहाँ पर लाल निशान होने लगते हैं और दुखन भी रहने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने का जो आपके पास उपाय है वो ये है कि आप सबसे पहले तो एक परफेक्ट अंडरवेयर पहने। अंडरवेयर के लिए हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप ट्रंक अंडरवेयर पहनते हैं तो उसको ठीक ढंग से पहने। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप वी शेप पहनते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा सही इसलिए रहता है क्योंकि वो हमारे इनर पार्ट में अंदर तक चला जाता है, जिससे कि जो पसीना आता है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन की संभावनाएं काफ़ी हद तक वो कम कर देता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको यूज़ करने के बाद भी प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना है कि आपको 1% को ट्राइमोजोल पाउडर खरीदना है मार्केट से। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे आप इसे मेडिकल से खरीदें या फिर आप इसे ऑनलाइन खरीदें। ये अलग अलग कंपनीज में अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद हो आप उसको खरीद सकते हैं। और इसको आपको अपने उन जगहों पर जहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन महसूस होता है वहां पर थोड़ा सा स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद आप जो भी अंडरगारमेंट पहनते हैं उसको पहन सकते हैं। ध्यान रखिए कि जब भी आप नहाते हैं या फिर वॉशरूम जाते हैं तो उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट भीगे हुए नहीं होना चाहिए। मोस्टली नहाने के बाद जब आप कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन रखें नहाने के और कपड़े पहनने के बीच में, बिकॉज अगर आपके प्राइवेट पार्ट गीले रहेंगे तब भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ध्यान रखिए, नहाने के बाद हमें अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से सुखाना चाहिए, वहाँ पर किसी तरीके की जब नमी ना हो आप प्रॉपर चेक करें। जब नमी बिल्कुल ना हो, स्किन चारों तरफ की हर जगह पर आपको ड्राइनेस महसूस हो, तभी आप अपनी अंडरगारमेंट को यूज़ करें। और उससे पहले थोड़ा सा जो 1% हमने आपको अभी कोट्रामाजोल पाउडर बताया वो आप स्प्रे कर लें और उसके बाद उसको पहन लें। दूसरा जो अब सबसे बड़ा ऑप्शन आपके लिए आता है वो ये आता है कि जो भी कपड़े आप जब आप पहनते हैं, पहनने के बाद जब हम धूप में जाते हैं तो जो धूप में यूवी रेजेस होती हैं उससे हमारे कपड़े स्टरलाइज हो जाते हैं। यानी अगर इन कपड़ों में कोई नमी रह गई है और इनमें कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो धूप की यूवी रेजेस से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो कपड़े हम अंदर पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं, उस पर धूप नहीं लगती और इसी वजह से जब हम उसको रीयूज़ करते हैं, फिर धोते हैं, फिर अंदर ही कहीं सुखा लेते हैं और उसके बाद हम पहनते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये प्रॉब्लम मोस्टली उन लोगों के साथ ज़्यादा रहती है जो हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर जिनके घर बहुत छोटे हैं, जिनको जिसमें धूप नहीं आती, या फिर जो रूम लेकर लड़के रहते हैं वहाँ पर उनके पास एक ही रूम है, उसी के अंदर ही उनको कपड़े अपने सुखाने हैं। तो अगर आप अपने कपड़े फैन में सुखाते हैं, अपने कूलर में सुखाते हैं या फिर छाया या शेड में सुखाते हैं जहाँ से रोशनी तो आती है लेकिन धूप नहीं आती, तो ऐसे कपड़ों को अगर आप पहनेंगे तो उससे खुजली रैशेज हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन है और इन चीज़ों को आपको समझना है और इसका जो समाधान है वो ये है कि आपको अपने कपड़ों को धूप में ही सुखाना है। कम से कम 1 घंटे के लिए उसमें धूप में जरूर रखें अपने कपड़ों को और उसके बाद उन कपड़ों को पहनें। तो कपड़े चाहे आपने मशीन में सुखाए हैं, ड्राई किए हैं, कहीं और सुखाए हैं या घर में सुखाए हैं, लेकिन कभी जब धूप निकलती है तो समय निकाल कर उन कपड़ों को धूप में जरूर डालिए। और धूप में यूवी रेजेस होती हैं और वो यूवी रेजेस ही आपके कपड़ों को शुद्ध करेंगी, जिससे कि आप उनको पहन पाए, यानी उनमें जो फंगल इन्फेक्शन है वो सिर्फ यूवी रेजेस से ही खत्म होगा। अगर आपका ये तर्क रहता है कि हम उस पर प्रेस कर लेंगे, उसको बहुत अच्छे गर्म प्रेस से हम करके उसकी सारी नमी को खत्म कर देंगे तो उसमें कोई कीटाणु बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, या फिर हम डिटॉल में अपने कपड़ों को वॉश कर लेंगे तो इससे भी वो नहीं खत्म होगा, वो सिर्फ यूवी रेजेस से खत्म होगा, क्योंकि धूप की यूवी रेजेस में ही वो ताकत होती है जिससे कि चीजें स्टरलाइज हो जाती हैं।
तो ध्यान रखिए, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो ये दो उपाय आपको करने हैं। एक जो मेडिकेटेड जो पाउडर है उसको यूज़ करना है, साथ ही साथ दूसरा अपने कपड़ों को धूप में सुखाना है, आपको ये प्रॉब्लम फिर कभी नहीं होगी। तो आई होप सो ये प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल गया होगा। तो कोई भी अगर ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि इन चीज़ों को वो अपनाए तो अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो वेल, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।